हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज का वीडियो देख के आप लोग को खुद समझ में आ रहा होगा कि हम क्या करने वाले हैं। आज हम किचन से रिलेटिव वर्क करने वाले हैं जो कि अपनी मम्मी के साथ करेंगे। आप लोग हमारे वीडियो पे पहली बार हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दें, लाइक के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि नई नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। गाइस, जैसा कि गर्मी का सीज़न है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही है, और अभी देखिए हम अपने कच्चे मकान में हैं जो कि अभी इमरजेंसी में ही हमारी लाइट ख़राब हो गई। जो कि हमारा वाइट वाला बल्ब था वो बिल्कुल फ्यूज हो चुका है और हमें इमरजेंसी में ये 10 रुपये वाला जो 100 वाट का बल्ब होता है उसे लगाना पड़ा। खैर, ये तो बिजली ज़्यादा खींचता है लेकिन मजबूरी है क्योंकि उजाला हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कच्चे मकान में, इसलिए हमें मजबूरी में लगाना पड़ा। आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम ये देखिए, ये आपको 100 वाट वाला बल्ब दिखाई दे रहा होगा जलता हुआ। आज मैं मम्मी के साथ हाथ बटाने वाला हूँ उनके साथ कार्य में, क्योंकि मेरी सिस्टर है नहीं, वो गई हुई है ननियाल और मम्मी हैं अकेले। आज मम्मी गई थी घास करने, जो कि हमारे यहाँ भैंस भी हैं, भैंसों के चारा के लिए घास करना भी ज़रूरी है, नहीं तो उनका जीवन यापन कैसे होगा। और घास करते करते मम्मी की हाथ की उंगली कट गई है जिससे वो आटा नहीं गूंथ सकती, तो मुझे आज आटा गूंथना है। अभी देखिए मम्मी आटा लेके परात में आ चुकी है। मैं आपको आटा भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये है आटा, तो अभी हमको इस आटा को गूंथना है। यहाँ पे देखिए, हम अपने वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। यहाँ पे देखिए गाइस, आटा गूंथने के लिए हमने सारा मटेरियल रेडी कर लिया। ये रहा लोटे में पानी और ये रहा परात में आटा, गूंथने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो सबसे पहले ये हमारे हाथ में रच्छा, तो अभी आटा गूंथते वक्त ये हमें डिस्टर्ब करेगा, तो सबसे पहले इसको चलते हैं निकाल देते हैं। इसको निकाल के हम यहाँ साइड पे रख देते हैं। चलिए हम आटा गूंथना स्टार्ट करते हैं।
सो ये देखिए गाइस, हमने आटा गूथ के बिल्कुल तैयार कर दिया और फटाफट हमने आटा को गूथ दिया है। सो देखिए गाइस, गर्मी की वजह से कितना ज़्यादा पसीना हो चुका है हमें। आटा तो हमने गूथ दिया है, अब मुझे रोटी नहीं बनाना है क्योंकि रोटी मम्मी बना लेंगी। मम्मी बोल रही है कि मैं रोटी बना लूँगी, सिर्फ आप आटा गूंथ दो। तो आटा हमने गूंथ चुका है और जो आज का हमारा भोजन बन रहा है वो है रोटी और मैगी, क्योंकि घर में दादाजी भी नहीं है, वो प्रोग्राम के सिलसिले से कहीं गए हुए हैं, और सिस्टर तो वैसे भी नहीं है, करीब आज एक हफ्ते से नहीं है वो। और हम ही चार लोग हैं, हमें मेरा छोटा भाई है, मम्मी है और पापा हैं, बस चार ही लोग हैं। तो फिर हमने सोचा क्यों ना चलते हैं फिर मैगी वगैरह बना लेते हैं और फिर आटा। सो इस गर्मी के मौसम में जल्दी जल्दी सब निपट भी जाएगा। सो चलिए आपको दिखाते हैं कि उधर मैगी का सिस्टम रेडी हो चुका है और वो मेरे ख्याल से शायद वो तैयार भी हो रहा होगा। सो चलिए आपको वो भी नज़ारा दिखाते हैं। और मेरे पीछे तो आप सब लोग देख रहे हैं कि हम भाई कुम्हार हैं, तो हमारे घर में यही मिट्टी के ही बर्तन होंगे। उधर देखिए शादी ब्याह में जो कलसे हैं यूज किए जाते हैं वो है, और यहाँ पे देखिए कुल्हड़ है जिसमें चाय पिया जाता है। तो ये कुल्हड़ है, पीछे बाकी मिट्टी के सारे बर्तन है जिसको कलश वगैरह सब बोले जाते हैं। सो उसकी वीडियो में किसी और टाइम आपको फुल डिटेल में दिखाऊंगा। सो आज का जो टॉपिक चल रहा है, चलिए हम उस पर बात करते हैं। सो चलिए दिखाते हैं। यहाँ देखिए मम्मी मैगी की तैयारी कर रही हैं। यहाँ देखिए टमाटर वमाटर सब लाल हो रहा है। सो अभी देखिए गाइस, लाइट भी चली गई, गांव में कोई भरोसा नहीं होता लाइट का। और अभी देखिए हमारे यहाँ कच्चे मकान में उजाला था और लाइट की वजह से अंधेरा हो गया। एक इमरजेंसी लाइट है, उसे हमने जला रखा है। सो अब मम्मी सारा काम कर लेंगी, तो अब हम चलते हैं बाहर निकलते हैं। और यहाँ पे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पता नहीं कैसे मम्मी खाना बनाती हैं। खैर माँ तो माँ ही होती है और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है, अगर इनको लाख मना किया जाए ये फिर भी करती हैं। सो चलिए, हमें तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हम बाहर चलते हैं क्योंकि अब मम्मी सारा काम कर लेंगी, उन्होंने खुद बोला है, और अभी हम बाहर चलते हैं। देखिए गाइज, अभी इससे पहले लाइट चली गई थी तो फिर से पुनः लाइट आ चुकी है, और ये तो गांव में लगा ही रहता है लाइट आना और लाइट जाना। गाइस मम्मी रोटी बनाना चालू कर दी हैं, और ये देखिए हमारा गूथा हुआ आटा, उससे रोटी आज बन रहा है। सो गाइस, आज का ब्लॉग आप लोगों का कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताइएगा। और वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, वीडियो को फटाफट लाइक शेयर जरूर कर दें, और लाइक शेयर कर साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि नई नई वीडियो का सबसे पहले आपको मिलती रहे। सो गाइस, कितने लोग ऐसे हैं जो कि अपने घर परिवार में अपने मम्मी के साथ काम काज में हाथ बटाते हैं, सो कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ।